दोस्तों यह है मेरे पास बोट की तरफ से बोट M131 AirDrops। बेसिकली मैंने दो चार दिन पहले ही से फ्लिपकार्ट से बाय किया है 1100 के प्राइस के साथ। तो पिछले दो तीन दिन से एज ए प्राइमरी ब्लूटूथ मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ, तो क्या ये वर्थ है अंदर 1100 प्राइस के साथ, या अगर वर्थ नहीं भी है तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हमें फेस करना पड़ा इसके साथ। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ क्लियर आपको कि आपको इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो चले करते वीडियो को फटाक स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी केस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर में ये केस अवेलेबल है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो मुझे सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ जो ये केस है यहाँ पे आपको कोई मैट फिनिश नहीं देखने को मिलती है, सिंपली से यहाँ पे आपको कोई ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है। तो उस कारण से यहाँ पे जो यू कैन सी कि दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे स्क्रैचेस बहुत ही कम टाइम में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पे मुझे चारों साइड यहाँ पे कितना ज़्यादा स्क्रैचेज, यहाँ दो ही तीन दिन में इतना ज़्यादा स्क्रैचेज देखने को मिल रही है। एंड एक चीज जो मुझे और प्रॉब्लम लगी, यहाँ पे जैसे ही देखते हो मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हल्का सा भी यहाँ पे मैं इसे हिलाता हूँ तो ऑटोमेटिकली से ये केस क्लोज हो जाता है। बेसिकली यहाँ होता क्या है, पीछे में एक हिंज होता है, तो बेसिकली हिंज के कारण ये ओपन और लॉक होता है। तो यहाँ पे दो ही तीन दिन में यहाँ पे ये मेरा जो हिंज है ये लूज हो चुका है। यहाँ पे मुझे एक केस के साथ ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ऑल ओवर बात करें इस केस की तो यहाँ पे आपको अंदर 1100 यहाँ पे आपको एक अच्छी सेप भी देखने को मिल जाती है, एक अच्छी यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी भी इस ब्लूटूथ की देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर ले अपने TWS के बारे में। तो बेसिकली लुक वाइज ये आपको एक बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही मैं ये एक बात बता सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। मैं बताता हूँ कल का एक इंसिडेंस दोस्तों, मैं इसे अपने ईयर में लगा के रखा हूँ, बस दोस्तों मुझे ये पता ही नहीं कि भाई मेरे ईयर में ये लगा हुआ, बिकॉज दोस्तों इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि आपको फील ही नहीं हुआ कि आपके ईयर में आपका ईयरबड्स वगैरह लगा हुआ है। एंड कंफर्ट के मामले में दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा है, आपको कोई चुभन वगैरह महसूस नहीं होगा। जी हाँ, आप यहाँ इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हो अपने ईयर में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रैवलिंग के भी टाइम यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर कॉल की बात करो तो कॉल में भी यहाँ पे आपको एक डिसेंट सी आपको यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिल जाती है, कोई ना ही ज़्यादा अच्छा मिलता है ना ही ज़्यादा आपको ख़राब देखने को मिलता है, एक डिसेंट सी आपको यहाँ पे कॉल क्वालिटी वगैरह देखने को मिल जाती है इसके साथ। एंड एक प्रॉब्लम भी मुझे इसके साथ देखने को मिली दोस्तों, आप जैसे अगर चाहो इसे अपने ईयर में लगा के आप सो जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोस्तों जब भी आप इसे ईयर में लगा के सोना चाहोगे तो बेसिकली ये आपको चुभेगा, इधर उधर आपको चुभन महसूस होगा। तो उसके लिए आप चाहो अगर कि इसे लगा के मैं सो जाओ तो उसके लिए इसे मैं प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। यहाँ पे दोस्तों इसके साथ आपको फिजिकल बटन भी देखने को मिल जाती है पीछे के साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों फिजिकल बटन भी बहुत ही ज़्यादा वेल कंडीशन में, यहाँ पे अच्छी तरह से ये रिस्पॉन्स करती है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। यहीं पे दोस्तों अगर हम लोग के यहाँ पे रबराइज्ड यहाँ पे हम लोग को टिप्स मिल जाती इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता, वो दोस्तों हमारे ईयर के लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहता और भी ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे कम्फर्ट देता। तो वो मुझे एक यहाँ पे डाउनसाइड लगा इस TWS के साथ। ऑडियो की बात करूँ इस TWS के साथ, तो दोस्तों मैं आपको एक सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप बेस लवर हो, अगर आपको सॉन्ग में बेस पसंद है तो आपको ये उतनी अच्छी बेस प्रोवाइड नहीं कर पाती है, आपको एक डिसेंट सी बेस ये प्रोवाइड कर पाती है। अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद है तो आप बेस के लिए इस पर मत जाना। एंड सेकेंड चीज़, यहाँ पे जो ऑडियो की क्लियरिटी होती है वो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी एक डिसेंट सी आपको यहाँ पे ऑडियो क्लियरिटी भी यहाँ पे इसके साथ देखने को मिल जाती है। ऑन पेपर दोस्तों इसका रेंज यहाँ पे 10 मीटर बताया गया। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, अगर आप अपने फ़ोन को एक रूम में रखते हो एंड दूसरे रूम जाते हो तो वहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको कोई यहाँ पे कटआउट देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे ऑडियो में। बट दोस्तों जैसे ही आप एक रूम से तीसरे रूम जाओगे तो वहाँ पे दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे कट वगैरह देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको साउंड कटने लगेगी अच्छी तरह की, यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे ऑडियो देखने को नहीं मिलेगी। इसमें IWS की भी सपोर्ट है दोस्तों, इसका मतलब जैसे ही आप अपने बॉस को ऐसे ओपन ही करोगे तो इंस्टेंटली यहाँ पे विथ इन 3-4 सेकेंड में आपका डिवाइस जो इससे पहले आपके डिवाइस जो कनेक्ट था वो ऑटोमेटिकली से इसमें कनेक्ट हो जाएगी। तो इसका जो कनेक्टिविटी है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलती है कनेक्टिविटी के मामले में इसके साथ। तो कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको कोई कंप्रोमाइज इसके साथ देखने को नहीं मिल रही है। गेमिंग की अगर बात करो दोस्तों, अगर आप कैजुअल गेमर हो, कभी कभी गेमिंग करते हो, अगर दिन में आप 1-2 घंटा गेमिंग करते हो, आप उतना प्रोफेशनल गेमर नहीं हो, तब इसके तरफ जा सकते हो। लेकिन आपको ऐसे भी पता होगा कि TWS वगैरह में लेटेंसी इशू रहता है, तो इसी गेमिंग के लिए प्रीफर नहीं किया जाता है।
बट दोस्तों कैजुअल गेमर के लिए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली है, आपको उतना पता भी नहीं चलेगा साउंड का प्रॉब्लम वगैरह। अगर आप प्रोफेशनल गेमर हो देन आप इसके तरफ मत जाना, यहाँ पे आपको लेटेंसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा जो कि हर TWS में देखने को मिलती है, चाहे वो TWS कितना भी महंगा हो वहाँ पे आपको लेटेंसी का प्रॉब्लम देखने को मिलता ही है। तो गेमर के व्यू से यहाँ पे आपको जो कैजुअल गेमर है वो जा सकते हैं, बट यहाँ पे जो प्रोफेशनल गेमर है वो इसके तरफ मत जाना। साथ ही अगर बैटरी के बारे में बात करो कितना देरी मुझे बैकअप दे देता है, तो ऑन पेपर यहाँ पे 15 आवर क्लेम करती है, 13 आवर इन द बॉक्स एंड 2 आवर इस पर आपको बैकअप देखने को मिलेगी। तो बैटरी के लिए यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, ऑन पेपर मुझे 15 आवर देखने को मिलती है, बट दोस्तों रियल लाइफ में मुझे यहाँ पे 20 आवर 21 आवर मतलब दिन भर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आराम से मैं एक चार्ज में दिन भर इसे यूज़ कर पाता हूँ। अब ऑल ओवर बात कर लूँ केज की, इसकी हमारी TWS की, तो यहाँ पे एक आपको एक अच्छी डिसेंट सी इस प्राइस रेंज के साथ एक आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, आपको यहाँ पे कंफर्ट के मामले में कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा इसके साथ, तो ऑल ओवर आप इसके तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि इसका रिव्यू आपको अच्छा लगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।